रियलमी एक्स नाइन प्रो की लॉन्च डिटेल्स, रियलमी के काफी सारे नए प्रोडक्ट्स, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का अर्ली एक्सेस, उसके अलावा और भी काफी सारी नई टेक न्यूज मैं आपके लिए आज लेकर आ चुका हूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रिज और टेक न्यूज एपिसोड 517 में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का अर्ली एक्सेस ऑफिशियली लाइव हो गया है प्ले स्टोर पर, और अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो आप इसे से इंस्टॉल कर पाएंगे प्ले स्टोर से। इसकी साइज अराउंड 700 MB की है। और दोस्तों, इस गेम को आप लोग डाउनलोड करें उसके पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ग्राफिक्स एग्जैक्टली सिमिलर हमें मिलने वाले हैं पबजी मोबाइल जैसे ही। सो गाइस, रियलमी ने आज ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनका नया लॉन्च इवेंट 24 जून को होने वाला है, और इस लॉन्च इवेंट के अंदर रियलमी अपने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है। रियलमी ने यह कंफर्म किया है कि इस लॉन्च इवेंट के अंदर रियलमी नार्जो 34G एंड रियलमी नार्जो 35G तो लॉन्च हो जाएगा ही, लेकिन उसके अलावा रियलमी का नया 32 इंच वाला टीवी भी लॉन्च होने वाला है इस इवेंट में ही। और दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी भी जानकारी मिली है कि इस इवेंट के अंदर रियलमी अपना नया TWS ईयरफोन रियलमी बस Q2 भी लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों, अगली न्यूज भी रियलमी की तरफ से ही है। तो रियलमी X9 Pro स्मार्टफोन इंडिया की IMEI डेटाबेस वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। और दोस्तों, इस लिस्टिंग से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन रियलमी काफी जल्दी लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको रियलमी X9 एंड रियलमी X9 Pro के बारे में कोई भी डिटेल्स जाननी है तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको कार्ड पर मिल जाएगी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, रियलमी डिजो के बारे में तो आपने सुना होगा, जो की रियलमी का सब ब्रांड है, नया सब ब्रांड है। और दोस्तों, इसी सब ब्रांड का प्रोडक्ट पेज फ्लिपकार्ट पर आज लाइव हो गया है, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि रियलमी डिजो के नए प्रोडक्ट्स इंडिया में रियलमी काफी जल्दी लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि ये नए प्रोडक्ट्स अगले महीने ही इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। सो गाइस, कुछ महीने पहले आपने ये सुना होगा कि OnePlus की R&D टीम Oppo की R&D टीम के साथ मर्ज होने वाली है। और दोस्तों, आज OnePlus के CEO ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि OnePlus अब Oppo के साथ ओपनली पार्टनरशिप करने वाला है, यानी कि ओपनली काम करने वाला है, जिससे OnePlus के स्मार्टफोन में इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि अब OnePlus Oppo के साथ फुल्ली मर्ज होने वाला है। आपको ये न्यूज कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है ओनर की तरफ से। तो ओनर के 3 नए स्मार्टफोन्स जिनका नाम है ओनर 50, ओनर 50 प्रो एंड ओनर 50 SE ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं चाइना में। इन तीनों स्मार्टफोन्स की प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये तीनों स्मार्टफोन्स काफी अच्छी प्राइस पर लॉन्च हो चुके हैं चाइना में। और दोस्तों, ये तीनों स्मार्टफोन्स ओनर इंडिया में लॉन्च करने वाला है या नहीं उसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स मिलेगी तो मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।